नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम जेवियंस डॉक्टर राजू कुमार, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस। टुडे आई विल डिस्कस रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। अंडर रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी टुडे आई विल डिस्कस व्हाट इज सोशल ग्रुप एंड ग्रुप्स। सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द ग्रुप। ग्रुप इज द मैन इज द सोशल एनिमल, नो मैन कैन लाइव इन द आइसोलेशन। In fact, every aspect of the man life is the influenced to a great constant extent by the members of different group of which he sees a part. So, जो group है वो एक social, जो group है वो जो भी man है, people है, उनके अंदर ही उसी दोनों parts अपन include कर सकते हैं। उनका जो है एक combinations है या फिर जो उनका एक collection है उसको अपन group कह सकते हैं। सोशल ग्रुप इज द कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ए नंबर ऑफ यूनिट ऑफ एनीथिंग इन क्लोज प्रॉक्सीमेटली टू द वन अनदर। इन ह्यूमन कंटेक्स्ट द सोशल ग्रुप इज एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग हु आर ब्रॉट इन टू द सोशल रिलेशनशिप विद वन अनदर। नाउ डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है या इसकी क्या मीनिंग है? एक ग्रुप इज अ सोशल यूनिट। जो ग्रुप है वो एक सोशल यूनिट है विच कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु स्टैंड इन मोर और लेस डिफाइन द स्टेटस एंड रोल एंड रिलेशनशिप टू द वन अनदर एंड विच पोसेस सेट ऑफ द वैल्यूज और नॉर्म्स ऑफ इट्स ओवन रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स एटलीस्ट इन मैटर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस टू द ग्रुप। ए सोशल ग्रुप इज द नंबर ऑफ पर्सन टू और मोर। जो सोशल ग्रुप है वो दो या दो से अधिक जो व्यक्ति है उनका जो ग्रुप होता है उसको अपन सोशल ग्रुप कह सकते हैं। वो हैव सम कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन, वो आर स्टिमुलेटिंग टू द ईच अदर, वो हैव कॉमन एंड पार्टिसिपेट इन द सिमिलर एक्टिविटीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोशल ग्रुप। जो सोशल ग्रुप है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? जो सोशल ग्रुप है वो रेसिप्रोकल, उसके अंदर जो रिलेशनशिप है वो कैसी है? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। सेंस ऑफ द यूनिटी एंड द फीलिंग ऑफ सिंपैथी टुवर्ड ईच अदर। वी फीलिंग्स मेंबर डिफाइन एंड देयर इंटरेस्ट कलेक्टिवली, कॉमन इंटरेस्ट एंड आइडियाज, सिमिलर बिहेवियर फॉर अचीविंग द कॉमन गोल्स एंड इंटरेस्ट। ग्रुप नॉर्म्स। एवरी ग्रुप हैज इट्स ओवन सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स। नाउ दिस स्लाइड शो द मेजर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड सोसाइटी। सो ये स्लाइड शो कर रही है कि जो ग्रुप और सोसाइटी इनके अंदर क्या डिफरेंस है। सो ग्रुप, एक ग्रुप इज द कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो ग्रुप है वो कलेक्शन है ह्यूमन बीइंग का। जो ह्यूमन रह रहे हैं, बीइंग है उनका जो कलेक्शन है उसको अपन ग्रुप कह सकते हैं। इन द इनवर्स, सोसाइटी इज द सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप। जो सोसाइटी है वो क्या है? सोशल रिलेशनशिप है। और जो ग्रुप है वो क्या है? ह्यूमन बीइंग्स। एंड आर्टिफिशियल क्रिएशन, जो ग्रुप है वो आर्टिफिशियल क्रिएशन है जबकि जो सोसाइटी है वो नेचुरल ग्रोथ है। मेंबरशिप इज वॉलेंट्री। इसके अंदर ग्रुप के अंदर जो मेंबरशिप होती है वो वॉलेंट्री होती है। और जो मेंबरशिप अंडर द सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर जो मेंबरशिप है वो कैसी है? कंपल्सरी मेंबरशिप। ग्रुप इज ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड। जो ग्रुप होता है वो हमेशा उसको अपन ऑर्गेनाइज्ड करते हैं जबकि जो सोसाइटी है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। सो ग्रुप है वो तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है और जो सोसाइटी है वो क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्योंकि ग्रुप के अंदर तो क्या होता है, इसके अंदर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है उसको अपन ग्रुप कह सकते हैं। सोसाइटी के अंदर क्या होता है? एक पूरा समाज होता है, वो होता है सोसाइटी। इसलिए ग्रुप को तो अपन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं लेकिन अपन सोसाइटी को उनके ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सोसाइटी जो है वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। स्पेसिफिक पर्पस ऑफ ग्रुप एंड अंडर द सोसाइटी इज ए जनरल पर्पस मार्केटेड बाय कोऑपरेशन, मार्केटेड बाय बोथ कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्टेड।
ग्रुप में भी टेम्प्रेरी, सोसाइटी इज परमानेंट। जो ग्रुप होता है वो एक टेम्प्रेरी स्टेटस या टेम्प्रेरी एक स्ट्रक्चर है, जबकि सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो परमानेंट है। ग्रुप है, इसके अंदर अपन चेंजेज कर सकते हैं, हो सकता है वो एक दो आदमियों का भी ग्रुप हो सकता है, चार आदमियों का भी ग्रुप हो सकता है, उसके अंदर अपन आठ आदमी भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन सोसाइटी जो है वो तो एक परमानेंट नेचर है। अगर आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे 10 घर है, 10 मकान है, तो वो एक सोसाइटी हुई, उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सोसाइटी जो है वो नेचर के अंदर परमानेंट है, जबकि ग्रुप है इसके अंदर अपन हेयर बदल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक टेम्प्रेरी ग्रुप है। नाउ फंक्शन ऑफ ग्रुप, ग्रुप जो है उसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि जो ग्रुप है इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं बाउंड्रीज से, इसको इसके अंदर अपन लीडर चूज कर सकते हैं, इसके अंदर अपन डिसीजंस ले सकते हैं, इसके अंदर अपने गोल्स अपन सेट कर सकते हैं, असाइनिंग टास्क अपन असाइन कर सकते हैं, और इसके अंदर जो मेंबर्स का बिहेवियर है उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्रुप। ना अब मैंने जो पिछले चैप्टर में बताया कि ग्रुप के क्या फंक्शन है, इसके अंदर सबसे पहला था डिफाइनिंग बाउंड्रीज। ग्रुप को अपन बाउंड्रीज से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? टू आइडेंटिफाई वो आर मेंबर ऑफ ए ग्रुप, सम सॉर्ट ऑफ डिवाइस मस्ट बी यूज टू मार्क एंड बाउंड्रीज। चूजिंग द लीडर, इसके अंदर अपन लीडर चूज कर सकते हैं, और ए लीडर अकॉर्डिंग टू द डिक्लेन सम वन ऑफ द ऑक्युपाइज सेंटर रोल पोजिशंस डोमिनेंस एंड इन्फ्लुएंस इन ए ग्रुप। नाउ टाइप ऑफ ग्रुप, ग्रुप कितने तरीके का हो सकता है, इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू सोशल आइडेंटिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। सो ग्रुप को अपन ग्रुप की जो टाइप है इनको अपन अलग अलग पार्ट के अंदर बांट कर सकते हैं। इसके अंदर अपन इसको नेचर के अकॉर्डिंग भी ट्रांसफर कर सकते हैं या क्लासिफाइड कर सकते हैं। सोशल आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू नेचर के अकॉर्डिंग ग्रुप है ना वो दो तरीके का होता है, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। अकॉर्डिंग टू द सोशल के अकॉर्डिंग इन ग्रुप, आउट ग्रुप एंड रेफरेंस ग्रुप होता है। अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दो ग्रुप इसके होते हैं। सो अब प्राइमरी ग्रुप के अंदर एक तो फैमिली आ सकता है, बास्केटबॉल टीम्स हो सकती है, कपल एसेट्रा जो होता है वो होता है प्राइमरी ग्रुप। ना इम्पोर्टेंट ऑफ प्राइमरी ग्रुप, जो प्राइमरी ग्रुप है जैसे मैंने बताया कि अपना जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो अपना फैमिली का एक ग्रुप होता है, वो भी अपना प्राइमरी ग्रुप है। सो प्राइमरी ग्रुप के क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं? प्राइमरी ग्रुप जो है इज ए बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन नेचर। जो प्राइमरी ग्रुप है वो अपना एक ह्यूमन बर्थ है। प्राइमरी ग्रुप हेल्प इन द सोशलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड मेंटेन सोशल कंट्रोल ओवर टाइम्स, टीच द मेंबर टू वर्क इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू डियर रूल्स। प्राइमरी ग्रुप्स आर द न्यूक्लियर सेल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी ग्रुप इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप्स रेफर्स टू द फॉर्मल ग्रुप इन विच देर द लिटिल सोशल इंटीमेटली इन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम्पल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, लेबर यूनियन एक्सेट्रा। सेकेंडरी ग्रुप आर दोज डेट आर द रिलीवेंट कैजुअल एंड इम्प्रेशनल इन द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इन दैम आर द यूजली कॉम्पिटिटिव रादर म्यूचुअली हेल्प। नाउ व्हाट डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप? अकॉर्डिंग टू साइज, अंडर द प्राइमरी ग्रुप द स्मॉल इन साइज एंड एरिया लाइक फैमिली एंड स्टडी ग्रुप, द सेकेंडरी ग्रुप साइज वाइडर स्प्रेड इन एरिया एंड एज वेल एज एरिया। टाइप ऑफ कॉपरेशन, कॉपरेशन के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी ग्रुप होता है ना वो डायरेक्ट होता है, और जो सेकेंडरी ग्रुप होता है वो इनडायरेक्ट होता है। काइंड ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्राइमरी ग्रुप के अंदर देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जबकि इसका देखें सेकेंडरी ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अगर इनका डिफरेंस देखें तो जो प्राइमरी ग्रुप की जो रिलेशनशिप होती है वो डायरेक्ट होती है, पर्सनल होती है,
और जो सेकेंडरी ग्रुप की अगर रिलेशनशिप देखें तो इसकी जो रिलेशनशिप होती है वो इनडायरेक्ट होती है। थैंक यू।